भैया लेक्चर कर लिए, नोट्स बना लिए, थ्योरी पढ़ ली, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिजिक्स के, चाहे वो तुम्हारे मॉक पेपर में हो या घर पे हो, तो क्वेश्चन बनते नहीं है। बनते भी है तो बहुत समय लगा देते हैं और बहुत टाइम वेस्ट होता है, और इस वजह से हमारी फिजिक्स अच्छी नहीं हो रही। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। YouTube पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं बहुत सारे लोगों ने, मैंने भी बनाई हैं कि कैसे फिजिक्स को मास्टर करते हैं, और हर एक बंदा कहता है लेक्चर देखो, वन शॉट देखो, थ्योरी पढ़ो, ठीक है। बट द रियल प्रॉब्लम दैट नन ऑफ अस, ठीक है, मोस्टली फोकस इज MCQs, कि MCQs कैसे सॉल्व करने हैं और कैसे उनको राइट अप्रोच में करके हम नीट में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला होगा एक कंप्लीट गाइडेंस, एक कंप्लीट पाथ, जो आपको लास्ट के ये 45-50 डेज में नीट के लिए हेल्प करेगा कि कैसे आप MCQs सॉल्व करोगे ताकि आप नीट में एक बेस्ट स्कोर हासिल कर पाओ। इसके साथ साथ यार, हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं एक सेशन जहां पे मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। जो बच्चे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबके लिए है, ठीक है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। फटाफट जाके गूगल फॉर्म भर लो सब लोग, ठीक है। तो उससे मिलेंगे, 20 तारीख को होगा और मचाएंगे यार, ठीक है, क्योंकि नीट फोड़ना है, ये अपना अल्टीमेट एम है। और लास्ट वीडियो पे यार आपने बहुत प्यार दिया, जो लाइक्स हमने कहे थे वो भी पूरे कर दिए, तो इस वीडियो में प्यार देना। और अगर आपको अच्छा लगा जनरली वीडियो, तो अगेन विल एम फॉर 5000 लाइक्स। इसके अलावा जो भी कंटेंट मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, चाहे वो तुम्हारे फॉर्मूला शीट्स हो, चाहे वो तुम्हारे फिजिक्स क्वेश्चन बैंक जो प्रोवाइड किए मैंने आपको 500 क्वेश्चंस की, जो बहुत बच्चे सॉल्व किए हैं और बहुत बच्चों ने स्कोर इंप्रूव किया है। हर एक बच्चा सॉल्व नहीं करता, इतना सब में नहीं होता था, लेकिन जिन्होंने सॉल्व किया है ना, वो बंदा आज अच्छा नंबर इंप्रूव कर रखा है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे है उसके अंदर। तो वो कहाँ मिलेंगे भैया? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, वहां पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है। जो कंटेंट चाहिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वहां से तुम अवेल कर सकते हो, और कंटेंट बन रहा है जो आपको हेल्प करने वाला होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो एक्चुअल वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी चीज कहूंगा, जो बच्चे फिजिक्स में अच्छा नहीं कर पा रहे उन सब के लिए, डर के आगे सीट है, ठीक है। क्यों भैया? देखो यार, जब मैं अपना नीट का प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैंने नीट का पहला अटेम्प्ट दिया था 2019 में, उस वक्त यार मेरा कोई बैकग्राउंड था नहीं कि यार मैंने 10 ओलंपियड क्रैक कर रखे हैं, तो फिजिक्स मेरे को इतने डिफिकल्ट, लिटरली आई वॉज अफ्रेड, ठीक है। और नीट में वही चीज हुई कि यार मैंने घिस पीट के बस 64 नंबर के आसपास, 64-68 मार्क्स मेरे नीट में आए थे फिजिक्स में, ठीक है। जिस दिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, कुछ मेरे रिलेटिव्स थे जिन्होंने मुझे एक चीज कही कि यार जो बच्चे नीट क्लियर करते हैं ना, दे आर डिफरेंट, वो लोग अलग ही होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हिट की कि यार वो अलग अपने को बनना पड़ेगा, उतना हार्डवर्किंग, उतना डेडिकेटेड अपने को बनना पड़ेगा इस नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। एंड दैट वॉज द मोटिवेशन कि यार अब जो फिजिक्स मेरी बिगड़ी हुई है ना, इसको मैं सुधारूंगा। और ये सबसे पहली चीज थी जो अपन ने एक हवा बना रखा है ना, फिजिक्स, इस चीज को पूरा हटा दो, ठीक है। ये डर आज इसी वीडियो में खत्म कर दो। ये कमेंट कर देना कि भैया वी आर रेडी टू रॉक फिजिक्स। जिस दिन आप में अंदर से आएगा ना कि भाई वी आर रेडी टू रॉक फिजिक्स, उस दिन तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग डर रहे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, वैसा आएगा, हमसे ये सॉल्व नहीं होता, वो सॉल्व नहीं होता, वो डर आज खत्म करना है, राइट। इसके बाद सेक्शन ए सेक्शन बी होगा अपने पास। सेक्शन बी में 15 में से 10 सवाल करना है, सब पता है, बेसिक्स भी बता दी। इसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट वाली, SQP, सिलेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्यों भैया सिलेक्टिव? देखो यार, कई बच्चे इस टाइम पे ऐसे चैप्टर्स के बहुत क्वेश्चन करते हैं जो बिल्कुल कम आते हैं नीट में, ठीक है। नंबर पता नहीं है, आप में तो कॉमन क्वेश्चन है, भैया इस टाइम पे कितने क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे, आता है ना दिमाग में, सफिशिएंट का नंबर नहीं है। लगाने के लिए तुम हजारों क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन टाइम देखो ना अपने पास, ठीक है। यूट्यूब पे कोई आके बोल देगा कि यार 5000 सवाल लगाओ इस चैप्टर के, लगाओगे? नहीं ना, इतना दिमाग है ना, ठीक है। तो अपने को क्या करना है इस समय पे, सिलेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पहला तुम्हारा होगा एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी के। क्यों बता रहा हूं आगे बताऊंगा, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल सबसे बड़ा बून है, चाहे वो मॉड्यूल के हो तुम्हारे या तुम्हारे वो एनसीईआरटी के हो, ये तुम्हें नंबर देंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी रिपीट होंगे, प्लस तुम्हें अप्रोच सिखाएंगे। इसके अलावा PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो भैया कितने ईयर्स के PYQ करूं? तो PYQ अपने को ऑफिशियल मैंने पहले ही बता रखा है 34-35 ईयर्स करने होते हैं। अगर किसी को 34-35 ईयर्स करने, वो कर लो। या अब अगर टाइम कम है तो सबसे रिलेवेंट होते हैं 2005 के बाद वाले,
ठीक है, क्योंकि 2005 में सिलेबस रिवाइज हुआ था नीट का, तो 2005 से 2022 तक 17 साल के ये पेपर तुम्हारे पास होते हैं, और एक एक क्वेश्चन करके जाओ फिजिक्स का, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन बनेंगे नीट में, गारंटी, अगर तुमने इंग्लिश कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। भैया कहां से क्वेश्चन करें, तो क्वेश्चन के लिए यू कैन रेफर, ठीक है, तुम्हारे पास ये ओसवाल की बुक है, पीवाईक्यूज की अच्छी बुक है, ठीक है, पीवाईक्यूज का हर एक पेपर इसके अंदर है, सॉल्ट 17 ईयर्स नीट यूजी पेपर्स है, 2006 से 22 तक सारे पेपर है इसके अंदर, क्रिस रिविजन पूरा अपडेटेड, इसकी अच्छी चीज ये है इसमें सॉल्यूशंस है, सॉल्व पेपर है, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, राइट सर, सॉल्व पेपर्स, तो इसमें सब कुछ दे रखा है, प्रॉपर कंसेप्ट क्लैरिटी प्रैक्टिस के लिए हर एक चीज दे रखी है, तुम्हें प्रॉपर क्रिप्स रिविजन भी हो जाएगी, प्लस तुम हर एक सॉल्व क्वेश्चन इसमें कर सकते हो, राइट तो ये तुम्हें एक अच्छा खासा इससे फायदा मिल जाएगा, ये इसका इंडेक्स है, ठीक है, और ये पूरा जो लिंक है इसका इसका बुक का, ये तुम्हें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जिनके पास नहीं है अभी तक हार्ड कॉपी किसी भी पीवाईक्यू बुक की, प्लीज इस बुक को परचेस कर लेना, तुम्हें फायदा होगा, एक एक क्वेश्चन करोगे जब हाथ से तब तुम्हें बेनिफिट दिखाई पड़ेगा, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए क्या है भैया, अब मैं तुम्हें कैसे करना होता है, जैसे टाइप समझो एमसीक्यू एक टाइप के एकदम फैक्चुअल होंगे, जो लगभग तुम्हारे नीट का 10% होगा, ठीक है, अब जो फैक्चुअल एमसीक्यूज है उसके लिए तुम्हें आना चाहिए या नहीं आता, टाइम वेस्ट मत करना इन पे, ठीक है, ट्राई करो कि अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद है तो तुम मैथ करके देख लो, ठीक है, तो ये एक टाइप के है, इनके पीछे हम इतना भाग नहीं सकते हैं एकदम फैक्चुअल चीजों पे, हाँ अगर 6-7 फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो उसमें तुम 3-4 बना लोगे बेसिक नॉलेज पे भी, ठीक है, ये तो प्योर हो गया कि याद करना ही पड़ेगा, बट स्टिल जरा फ्यू क्वेश्चन जो तुम बिना याद किए भी फैक्चुअल सवाल कर सकते हो, क्योंकि वो सवाल जो है वो कंसेप्ट बेस्ड है, बस वो फैक्ट के इसमें दिख रहे हैं, राइट, सेकेंड टाइप के सवाल है प्योर न्यूमेरिकल्स, ऐसे ही होंगे सवाल, ठीक है, अब इनमें क्या करना है, अप्रोच ध्यान से सुनना, राइट, तो स्टेप्स क्या क्या है, कहाँ कर, पहले एक बहुत बड़ी गलती बताऊंगा जो शायद बच्चे छोड़ देते हैं और मैंने भी की थी, अपन जब पेपर मिलता है ना वही पे कर देते सॉल्व, जैसे मान लो ये पेपर है मेरा नीट का, यही पे सॉल्व कर रहा है ऐसे बैठ के, ठीक है, पूरा सॉल्व ये मत करना, पेपर के लास्ट में सॉल्व करो क्वेश्चन पेपर के, ठीक है, दिस इज द बेस्ट, और जो बच्चे बोलते हैं कि यार इन्विजिलेटर बोलते हैं पेपर पे लिखना नहीं होता, वो एक्स्ट्रा शीट देते भी नहीं है, कहाँ सॉल्व करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री, वही करना पड़ेगा, ठीक है, पेपर पे ही करना पड़ेगा चाहे कोई कुछ भी बोले, राइट, तो अपने को वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करें भैया, कोई क्वेश्चन अभी भी आता है, ठीक है, तो पहली चीज पेपर में लास्ट पे जो जगह होती है उसके लिए वहां पे तुम प्रॉपरली रफ वर्क बना होता है, रफ वर्क लिखा भी होता है, वह रफ वर्क की जगह पे प्रॉपर एक क्वेश्चन नंबर करो, ताकि तुम्हें जब तुम उसको रिविजिट करोगे, व्हेन विल रिविजिट, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट, तो भैया पहली चीज कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो, सबसे पहली चीज बच्चे करते क्या है, बड़ा क्वेश्चन देख ले डर गए, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये नहीं करना, अपने क्या करना, सबसे पहले लास्ट लाइन से एक कीवर्ड पकड़ लो, पूछा क्या है एग्जामिनर ने, क्या वो कंसेप्ट मुझे आता है, तो इस एग्जामिनेशन ने पूछा है मुझे मिनिमम पावर, तो ये क्वेश्चन पावर से रिलेटेड है, इसको अंडरलाइन करो कि मिनिमम पावर पूछा गया है, वॉट्स में पूछा है, ये जो कीवर्ड्स है वॉट्स, ठीक है, तो ये अपने पता होना चाहिए, पता लगे अपन ने किसी और में निकाला और किसी और में आंसर है, ठीक है, ये दो तीन चीज है, ये सबसे पहले अंडरलाइन करो, 2000 किलो है टोटल स्पीड दे रखी है, जो भी न्यूमेरिकल डेटा है कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन कर लो या उनको समझ लो, सेकेंड जो चीज करनी होती है, देखो ये जब तुम ये हैबिट बिल्ड करोगे ना फिजिक्स सॉल्व करने के, ऐसे क्वेश्चन तुम प्रो बनोगे, एक दिन में कोई प्रो नहीं बनता, हैबिट होती है, कंसिस्टेंसी होती है, सेकेंड है गिवन, जो भी उसमें गिवन है इसको लिख लो, जब हम लोग क्लास 10th तक करते थे ना कि गिवन, ठीक है, v इज इक्वल टू, वो हमारी आदत छूट गई है थ्योरी लिखने की, ठीक है, तो उस चक्कर में हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तुम एक बार इसको बेसिक बनाओ फिर तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स में आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन करना होता है, तो मान लो एक क्वेश्चन प्रॉपर लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिख रहा हूं उसका, तो प्रॉपर इसको लिख रहा हूं, ठीक है, पीछे तुम पेपर के रफ वर्क पे कर सकते हो, रफ वर्क बहुत जगह होती है, या जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पे तुम प्रॉपरली एक नोटबुक में लिख लो, ठीक है, तो गिवन जो भी है, जो भी चीजें गिवन है वो तुम्हें यहाँ पे लिखनी है, अच्छा मास, मास है 2000 किलो विद यूनिट्स लिखो ताकि गलतियां ना हो, स्पीड, अच्छा स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड, अच्छा उसके बाद फोर्स, फोर्स है भैया मेरा 3000 न्यूटन, अगर इसे जब पता है, पता है ये अपने क्लियर हो गया, राइट, इसके बाद फॉर्मूला, ठीक है, कि फॉर्मूला क्या है इसका, ये दिमाग में क्लिक होना चाहिए, इसके बिना आंसर नहीं मिलेगा, तभी कहता हूं फिजिक्स में विद्वान बनने से कुछ नहीं होगा, फिजिक्स में स्मार्ट इंसान बनना है, ठीक है, जिसको फॉर्मूला आता है वो नीट निकाल जाता है, सिंपल है, उसके फॉर्मूला की थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए बस, ठीक है, तो फॉर्मूला अपने को यहां पे पता करना है कि भैया इसका फॉर्मूला क्या है, जब फॉर्मूला पता लग गया तो फॉर्मूला को लिख लो प्रॉपर,
ठीक है, इतना तुम्हें फॉर्मुलाज याद करने पड़ेंगे, कर लोगे, मुझे पता तुम कर लोगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर लो, जैसे फॉर्मुला पहले पुट कर लो सिंपल, उसका सोल्यूशन तुम्हें वहां पर लिखना है क्लियरली। बच्चे गिस्पिंग कर देते क्या, एक के ऊपर एक लिख रहे, कैसे होगा सॉल्व, आराम आराम सॉल्यूशन। अच्छा फिर इसको पूरा सॉल्व कर दिया, थोड़ा इसलिए एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बट तुम इसमें प्रो बन गए तो तुमसे क्वेश्चन बहुत कम गलत होंगे। जो एक बच्चों की दिक्कत होती है ना फिजिक्स में, भैया सिली मिस्टेक कर दी, इसी वजह से क्योंकि तुम क्लियर नहीं हो, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर जो आंसर आया उसको एकदम देखो, वेरीफाई करो अच्छा ऑप्शन में है क्या, और फिर ऑप्शन पे जाओ, ठीक है। और सॉल्यूशन कंप्लीट नोट डाउन कर सकते हो जब तुम घर पे सॉल्व कर रहे हो, नीट में तो वैसे तुम लिख रहे हो पीछे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। तो ये होता है एक सही तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का, अगर तुम नीट की बात करोगे मुझसे तो, फिजिक्स की। समझ में आ गया, ये फॉलो करोगे आज से, प्रॉमिस, ठीक है। आज से हर एक दिन जब तुम क्वेश्चन करोगे फिजिक्स के, ऐसे ही बैठ के हवे में क्वेश्चन नहीं करने हैं, कई बार भी नहीं कर देने, एक प्रॉपर नोटबुक में करो ताकि तुम्हें रिविजन में काफी हेल्प हो। और जब तुम एक सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, लिखते हो स्टेप्स, जब तुम स्टेप्स लिखते हो ना तब वो तुम्हारे दिमाग में घुसती है चीजें, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीट कोड्स लगा सकते हो, क्या क्या होते हैं बताऊंगा आगे वीडियोस में, बट फॉर एग्जांपल डायमेंशन से पहचान लो, ठीक है, या ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख लो, ये सब चीजें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, राइट। तो दिस ऑल आर द थिंग्स जो तुम्हें करनी है, जो तुम्हें हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अपना टारगेट रखना है कि अगर तुम ये करते गए और हर चैप्टर के तुमने 150 के आसपास क्वेश्चन कर लिए, इंक्लूडिंग PYQs, एग्जांपल्स, ये सब क्वेश्चन, तो तुम मेरी बात गारंटीड लेके चलो, अगर तुम्हें वो क्वेश्चंस आते हैं, मान लो यहाँ से तुमने हर चैप्टर के 150 क्वेश्चन किए, तुम्हारे पास फिजिक्स के कितने चैप्टर्स हैं, कितने हैं, 20-25 होंगे, राइट। तो तुमने अगर 3000 क्वेश्चन का भी क्वेश्चन बैंक कर दिया ना, आई एम डैम श्योर कि तुम निकाले जाओगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे मैंने सारे लिंक्स दे दिए, सारा फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल। जिनको और बढ़िया बढ़िया कंटेंट चाहिए यहाँ से मिल जाएगा, और फिजिक्स की फॉर्मूला शीट, फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक भी मैं प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। चलो होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसा ही और अमेजिंग कंटेंट आपके लिए आ रहा होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्ट्रेटजी वीडियो से काम बस नहीं बनेगा, मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी। गाइडेंस के लिए मैं यहाँ पे हूँ, टीचर्स आपके यहाँ पे है, आपके पापा मम्मी यहाँ पे है, रिलेटिव छोड़ दो, ठीक है, रिलेटिव अपना काम धंधा नहीं है, पापा मम्मी आपके यहाँ पे है, टीचर्स है, मैं हूँ, आप हो, आप मेन कैरेक्टर हो, हम लोग सारे साइड कैरेक्टर्स है। मेहनत आपको करनी है, मेहनत करो और रिजल्ट लेके आओ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।